चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2020 जो भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा, और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो, और उम्मीद करता हूं सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। चलिए मित्रों, राजस्थान पुलिस वाले, क्योंकि एग्जाम निकट आ चुका है तो आपने, मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स में आप नो टेंशन रहे, तो मैं कुछ उम्मीद कर रहा हूं उन राजस्थान पुलिस वालों के लिए। क्या किया जाएगा, वीडियो साथ बनाए जाए या अलग वीडियो बनाए जाए या कुछ और किया जाए, ये आपको सूचना जरूर आपने स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में मैं लिंक डलवा दूंगा, उस लिंक से देख लेना आपको कि स्टडी एग्जाम एकेडमी में क्या कुछ सूचना आई है या नहीं आई है। वहाँ आपको सूचना मिल जाएगी कि नया वीडियो बनाया जाएगा या इसी वीडियो के साथ में क्वेश्चन लाए जाएंगे। चलिए मित्रों, वो आपको जरूर सूचना मिल जाएगी कल, तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर क्या करें, ज्वाइन करें, और वहाँ आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। चलिए मित्रों, शुरू करता हूँ मैं आज का सेशन। हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसके बारे में सत्य कथन है। चलेगा पृथ्वी 2 भैया, ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की देन है हमारे इंडिया को, और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की हाल ही में जयंती गई है। कब, 15 अक्टूबर, हमारे मिसाइल मैन, हमारे 11वें राष्ट्रपति, हमारे स्टूडेंट के भगवान के रूप में माने जाने वाले बहुत अच्छे राष्ट्रपति, या बोल सकता हूँ मैं जनता के राष्ट्रपति। चलिए मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। सतह से सतह मार करने वाली, बिल्कुल सही है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर और DRDO द्वारा विकसित, यानी इसका आंसर होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य है। पृथ्वी 2 लिखा है मैंने, पृथ्वी की भैया 3 मिसाइलें हैं हमारे इंडिया में, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की रेंज है 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 की रेंज है 350 किलोमीटर, पृथ्वी 3 की रेंज है 600 किलोमीटर, ये बात आप नोट कर लें। सतह से सतह मार करने वाली है, DRDO द्वारा विकसित है, तो DRDO के बारे में जानते हैं, 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर दिल्ली, और इसके वर्तमान हेड सतीश रेड्डी, ये बात मैंने DRDO के बारे में बता दी। सतह से सतह मार करने वाली है, यहाँ एक बात नोट करें, ये जो पृथ्वी मिसाइल है दोस्तों, यहाँ मैं बोल रहा हूँ आप नोट करें, ये भारत की पहली इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित की गई पहली मिसाइल है। चले मित्रों, सारे लोग दोबारा मैं बोल रहा हूं, दोबारा नोट कर ले, ये बात सीधे छपेगी, भारत की पहली इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित होने वाली मिसाइल कौन सी है, तो आपको आंसर लगा देना पृथ्वी है भैया। और ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित होने वाली ये मिसाइल विश्व में सिर्फ और सिर्फ 6 देशों के पास है भैया, 6वां देश हमारा भारत है, तो अन्य 5 के नाम बोल रहा हूँ, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इनके पास भी ये क्या है, मिसाइल है, और ये भारत की पहली है पृथ्वी, कौन सी है, पृथ्वी। इनका प्रक्षेपण हाल ही में ओडिशा से किया गया है, व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नया नाम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे। सारे दोस्तों को उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन समझ आया होगा, यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो भैया आप क्या करें, इसको चैनल इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। आज हमारा टारगेट रहेगा कि सर्वोच्च, आज सर्वाधिक लोग इस वीडियो को देख के पाएं, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि कल से आपके लिए सौगात ला रहा हूं दोस्तों, किसके लिए, राजस्थान पुलिस वालों के लिए, करंट अफेयर्स रिविजन के बारे में। चले मित्रों, सेकेंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ यदि मेरे को लगेगा हाँ लाना चाहिए, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस देखूंगा मैं कि इस वीडियो को कितना शेयर किया आप लोगों ने, कितना लाइक किया है, पिछले वीडियो से ज़्यादा लाइक या शेयर आ रहे हैं, तो मैं और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी तरीके से और अच्छी तैयारी करके लेके आऊँगा। चलिए मित्रों, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन योजना शुरू करने वाला पहला देश बन गया है, तो कौन सा देश फेस स्कैन योजना शुरू करने वाला सिंगापुर पहला देश बन गया है। सिंगापुर ने किया क्या है, जो भी बैंकिंग सेवाएं होती है या कोई अन्य सुविधा, या उसे बोल सकता हूं मैं राष्ट्रीय पहचान की कोई भी ऐसी सुविधा जहां पे क्या किया जाएगा, फेस स्कैन किया जाएगा, और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री ली सियन लुंग, पुनः नाम बोल रहा हूँ, ली सियन लुंग,
ली सिंग लुंग। आप तो लुंग याद करें, वहां के प्रधानमंत्री कौन है, लुंग है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है सिंगापुर अपने लिए, क्योंकि सिंगापुर में अभी जो वर्तमान में सरकार है वहां पर विपक्ष के नेता हैं भैया प्रीतम सिंह। कौन है? प्रीतम सिंह। और ये एक भारतीय है भैया, सारे लोग सीधा सीधा छप जाएगा। सिंगापुर में विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? तो प्रीतम सिंह है। और ये कहां के हैं भैया? भारत के हैं। सारे लोग इस बात को नोट कर लेंगे। चले मित्रों, ऑप्शन में थाईलैंड है। हाल ही में थाईलैंड क्यों चर्चा में रहा था भैया? वहां की राजधानी में क्या लगा दिया गया? आपातकाल लगा दिया गया। और म्यांमार भैया हमारे देश से सिटवे बंदरगाह के कारण चर्चा में रहा। सिटवे बंदरगाह हाल ही में भारत ने कहां विकसित करने की घोषणा की है? तो म्यांमार में। चले मित्रों, इस क्वेश्चन पे लगा ले, बहुत सारे स्टार, सारे लोग स्टार लगा लें। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ यानी IBA, IBA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ पूरी जानकारी। IBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजकिरण राय को। भैया राजकिरण राय है कौन? ये यूनियन बैंक के MD यानी प्रबंधन निदेशक है। राजकिरण राय कौन है? यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकिरण राय। या दूसरा बन जाएगा, यूनियन बैंक के MD कौन है? यदि ये क्वेश्चन सीधा ऐसे नहीं पूछ पाया तो सीधा क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकता है कि यूनियन बैंक के MD कौन है। यही तो कॉम्पिटिशन लेवल का क्या है भैया, कॉम्पिटिशन है कि क्या करता है क्वेश्चन जो चर्चा में रहता है। अपन तो वही पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं कि ये है कौन। तो ये चर्चा में रहा तो इसके कारण क्वेश्चन ऐसे दे देगा, यूनियन बैंक के MD कौन है? तो राजकिरण राय है। इसके उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसके उपाध्यक्ष दिनेश खर्रा को बनाया गया है। और दिनेश खर्रा के बारे में मैंने बताया था, वीडियो को पॉज करें सारे लोग और क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिसको ये पता नहीं है वो मैं बताता हूं। दिनेश खर्रा को भारतीय बैंक संघ का क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिनेश खर्रा तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हाल ही में दिनेश खर्रा को रजनीश कुमार की जगह SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोबारा बोल रहा हूं लाइन, SBI का वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। किसका स्थान लेंगे? रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। चलिए ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर कौन है भैया? शक्तिकांत दास है। चारों नाम सारे लोग अपने दिमाग में, अपने दिल में और अपने नोटबुक में छाप लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन चार में से एक पक्का दिख जाएगा आपको एग्जाम में। सारे लोग क्या करेंगे, इसे छापेंगे अपने नोटबुक में, अपने दिमाग में और अपने दिल में। आपको रग रग में आना चाहिए दिनेश खारा, राजकिरण राय, रजनीश कुमार, शक्तिकांत दास, सारे लोगों को ये बातें याद होनी चाहिए। यहाँ बात IBA यानी भारत बैंक संघ की बात आई है तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1946 में होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष तो राजकिरण राय को बनाया गया और उपाध्यक्ष दिनेश खारा को बनाया गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें आप, दिल दिमाग नोटबुक सारी जगह छाप लें। चले मित्रों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सेलिनेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? सेलिनेक्स युद्धाभ्यास हाल ही में भारत और श्रीलंका, देखें यहाँ SL श्रीलंका को दर्शाता है, I इंडिया को दर्शाता है और N नेवी को दर्शाता है। ये नौसेना का अभ्यास है। क्या है भैया? नौसेना का अभ्यास है। अधिकतर युद्धाभ्यास में जो नाम होता है उसी के डिपेंड पर क्या हो जाता है, उसका आंसर अपन निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अलग से होते हैं, जैसे सूर्य किरण किसके मध्य है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। याद आ गया मेरे को, सूर्य किरण किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है। अब हाल ही में एक तो सेलिनेक्स हुआ है भारत जापान के बीच में, मैंने बताया था जिम्बैक्स हुआ है, कौन सा? जिम्बैक्स। भारत बांग्लादेश हाल ही में बोंगो सागर हुआ है, कौन सा? बोंगो सागर। भारत श्रीलंका के बारे में सेलिनेक्स हुआ है दोस्त। अब जानते हैं ये सेलिनेक्स हुआ कहाँ है भैया? श्रीलंका में हुआ है। कहाँ हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना का युद्धाभ्यास है, ये भी बात आपको नोट कर लेनी है। नौसेना बात बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है सेलिनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ, ये किस सेना का युद्धाभ्यास है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपने को तो सारी तैयारी रखनी है। चलिए मित्रों, अपना पाँचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा एडॉप्ट इन एनिमल कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हाल ही में अडॉप्ट इन एनिमल कार्यक्रम किस उद्यान के द्वारा शुरू किया गया है? तो नंदन कानन प्राणी उद्यान के द्वारा ये अडॉप्ट इन एनिमल कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये नंदन कानन उद्यान है कहाँ? तो ये है भैया उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अब जानते हैं ये अडॉप्ट इन एनिमल कार्यक्रम क्या है, इसके तहत क्या होगा, जानवरों को अडॉप्ट, अडॉप्ट यानी गोद लेना, तो जानवरों को क्या लिया जाएगा, गोद लिया जाएगा, जिससे उनका संरक्षण हो सके, उनका क्या हो सकता है, देखभाल हो सकती है। यहाँ रेट भी डिसाइड की हुई है भैया 500 रुपये से 2.5 लाख तक का।
₹500 से 2.5 लाख तक का कोई भी एडॉप्शन किया जा सकता है, यानी न्यूनतम ₹500 लगेंगे एक जानवर को और अधिकतम ₹2.5 लाख को उसको अडोप्ट करने में लगेंगे, यानी उसे क्या लिया जाएगा, गोद लिया जाएगा। अडोप्ट इन एनिमल कार्यक्रम इस बार दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण कब शुरू हुआ था, तो ये पहला संस्करण 2008 में शुरू हुआ था। सारे बात आपको नोटबुक में नोट कर लेनी है। यहाँ ऑप्शन में देखें, मैंने ऐसे राष्ट्रीय उद्यान लिखे हैं जो सीधे सीधे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन छपता है भैया। यदि पूछे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो नोट कर लेना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। सारे लोग नोट करेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। यह है कहाँ भैया, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। यदि क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ है भैया, लद्दाख में है। यदि पूछे क्वेश्चन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है भैया, अंडमान निकोबार में है। सारी बातें चारों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नोट कर लेनी है। यहाँ बात नंदन कानन की आई है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नंदन कानन किसके लिए फेमस है, तो नोट करें व्हाइट टाइगर के लिए नंदन कानन क्या है, फेमस है भैया। सारे लोग प्रत्येक बात नोट कर लेंगे। चलिए मित्रों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पराली के प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है। अब देखें, मैंने 3-4 क्वेश्चन पराली से संबंधित करवा दिए हैं, तो सारे लोग इससे, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रह रहा है पराली, क्योंकि हाल ही में अब प्रदूषण बढ़ने वाला है पराली के कारण, इसके कारण चर्चा में रहा। तो लिसी प्रिया कन्नुंजम ने दिल्ली के विजय घाट, विजय चौक पर, कहाँ, दिल्ली की विजय चौक पर क्या किया, प्रदर्शन किया है, किसके खिलाफ, पराली के प्रदूषण के खिलाफ। भैया अब लिसी प्रिया कन्नुंजम कौन है, तो ये है कहाँ की, इनका संबंध है मणिपुर से। इनका उपनाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका उपनाम क्या है, इन्हें भारत की ग्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की ग्रेटा। अब ग्रेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग आपको बताया क्या है, पर्यावरण कार्यकर्ता है, पर्यावरण संरक्षक कार्यकर्ता है। कहाँ की है वो, स्वीडन की है, और ये भारत में पर्यावरण संरक्षक का कार्य करती है, इसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, भारत की ग्रेटा कहा जाता है। ये है कहाँ की, ये है भैया मणिपुर की, ये बात भी आप नोट कर लेंगे। मैंने कहा विजय चौक पर क्या किया, प्रदर्शन किया। अभी पराली से जो अन्य दो क्वेश्चन बताए हैं मैंने, वो भी मैं आपको पुनः रीडिंग लगवा देता हूँ। पराली के खिलाफ भैया सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्या बनाई है, समिति बनाई है, किसके अध्यक्षता में, मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में। और दूसरा क्वेश्चन, पराली के खिलाफ ही दिल्ली सरकार द्वारा युद्ध प्रदूषण अभियान भी शुरू किया गया है, ये भी बात आपको नोटबुक में अपने नोट रखनी है, प्रत्येक बात नोट रखनी है, कौन सा क्वेश्चन छप जाए पता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में की जाएगी। भैया हींग की खेती किस राज्य में की जाएगी, इसका नाम क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भारत में आज तक हींग की खेती हमारे भारत में नहीं होती थी, हम किसी अन्य देश जैसे ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से क्या करते थे भैया, आयात करते थे। तो हींग के बारे में जानते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में अभी हींग की खेती की जाएगी। इसका अन्य नाम आपको पूछ सकता है भैया, इसका वैज्ञानिक नाम लिखें आप, एसाफोडिडा, एसाफोटिडा। सारे लोग ये नाम नोट कर लेंगे, सारे लोग नाम नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारत में पहली बार एसाफोटिडा की खेती किस राज्य में की जाएगी, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं रहो, क्योंकि आपने तो हींग की खेती पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ छप गया, एसाफोटिडा का। तो एसाफोटिडा मतलब हींग होता है, एक ही बात है, कहाँ किया है भैया, हिमाचल प्रदेश में। अब सारे लोगों का आज का टास्क है भैया, हिमाचल प्रदेश के बारे में सारे लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए ये किसके द्वारा की जाएगी, तो उस संस्था का भी नाम लिख लें, IHBT, नाम लिखें IHBT के द्वारा, इसका फुल फॉर्म लिखें इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयाज बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। पुनः नाम लिखें इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयाज बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो पालनपुर में है। इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में भारत में पहली बार क्या की जाएगी, हींग की खेती की जाएगी, या मैं बोल दूं एसाफोटिडा की खेती की जाएगी, बात एक ही है, कंफ्यूज ना रखें आप। चले मित्रों, सॉरी, 8th नंबर क्वेश्चन, डेनमार्क ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। चलिएगा, कल मैंने क्वेश्चन डेनमार्क ओपन खिताब का महिला वर्ग किसने जीता है वो बताया था, आज पुरुष के बारे में जानते हैं। तो पुरुष खिताब एंडर्स एंटोसन ने जीता है, ये कहाँ के, ये स्वीडन, सॉरी डेनमार्क के ही हैं। कहाँ के भैया, डेनमार्क के ही हैं। कहाँ के हैं, डेनमार्क के। इन्होंने, एंडर्स एंटोसन ने डेनमार्क ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। किसको हराकर, रेसमस जेमके को हराकर, किसको हराकर, रेसमस जेमके को हराकर।
आप ज़्यादा कंफ्यूज ना रहो, यदि नाम पूरा नहीं याद हो रहा है तो कीवर्ड में याद कर लें, लेकिन एक नाम ज़रूर याद रखें, ऑप्शन में जब आएगा तो आपको पुनः याद आ जाएगा। चलिए अभी मैंने हाल ही में जो महिला वर्ग में जीता है उनका नाम बताया था कल भैया, नोजोमी ओकोहारा ने कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 का महिला वर्ग का एकल खिताब जीत लिया है, ये बात मैंने कल बता दी थी आपको। चलिए मित्रों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ था, अब फ्रेंच ओपन के बारे में आपको सारी बात बतानी है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, महिला एकल खिताब किसने जीता, उप विजेता कौन रहे, उनके देश का संबंध क्या है, सारी लोग इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए 9th क्वेश्चन, हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हुआ है, का संबंध, प्रदीप घोष कौन है, इनका संबंध क्या है, तो ये कवि है थे भैया, कौन थे, कवि, कहाँ के, बंगाली कवि थे भैया, बंगाली कवि थे, तो नाउ नोट कर लें आप, प्रदीप घोष का संबंध कवि से हैं, ये क्या थे, तो प्रदीप घोष का संबंध लिख लें, ये एक बंगाली कवि थे। यहाँ ऑप्शन में दो नाम लिखे हैं, हाल ही में ऐसी कौन सी नृत्यकार है जिनका निधन हुआ था, भैया कौन थी, सौम्या नायडू, मैंने नाम बताया था कल, सौम्या नायडू जो कुचिपुड़ी क्या है, कुचिपुड़ी की क्या है, नृत्यकार है, ये भी बात आपको नोट कर लेनी। और कास्ट्यूम डिजाइनर, ये तो समझो आपके एग्जाम में छप गया, ऐसी कौन सी महिला है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें ऑस्कर अवार्ड 1982 में मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, तो भानु अथैया, नाम सारे लोग अपने दिल दिमाग सारी जगह नोट कर लें, इस बात को छाप लें, मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा एग्जाम में छपा मिलेगा कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर का संबंध भानु अथैया से है, जिन्हें 1982 में गांधी फिल्म के लिए कौन सा अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। चलिए मित्रों आज का अंतिम क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दूं मैं इसे, आप क्या लगा लें इस पे 4-5 स्टार लगा लें। हाल ही में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया, पहले जानते हैं क्वेश्चन का आंसर फिर जानते हैं इसके बारे में अन्य जानकारी। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम राज्य में खोला गया है। असम में यदि मैं नाम बताऊं आपको स्थान का, तो आप लिखे जोगी घोपा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और असम में है, पुनः नाम बोल रहा हूं जोगी घोपा, आप तो बस असम याद रखें, यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए तो जोगी घोपा नाम जरूर याद रख लें, तो वो कहाँ है भैया, असम में। अब ये लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है, लॉजिस्टिक मार्ग का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा जहां पर रेल, वायु, जल और सड़क, यानी सारे के सारे जो हमारे परिवहन के साधन है, रेल, वायु, सड़क, जल, सारों का क्या होगा, वहां कनेक्टिविटी होगी एक ही स्थान पर, यानी वहां से सभी जगह क्या किया जाएगा, परिवहन, आयात निर्यात या परिवहन किया जा सकता है, उसे लॉजिस्टिक पार्क बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ लॉजिस्टिक पार्क के बारे में आपको समझ आया होगी कि लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है, चलेगा ये बात आप ध्यान रखें। भारत में कितने लॉजिस्टिक पार्क बनाने की लक्ष्य रखा है, तो 35, ये भी क्वेश्चन छप सकता है कि भारत ने कितने लॉजिस्टिक पार्क बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 35 यानी 35 लॉजिस्टिक पार्क बनाने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। चलिए मित्रों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। यहाँ ऑप्शन में असम है, तो असम के बारे में दिसपुर, गुवाहाटी, वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी, ब्रह्मपुत्र नदी, माजिली नदी द्वीप, काजीरंगा, मानस, सारे लोग आपको पता है, आपको और अन्य जानकारी पता हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ब्रह्मपुत्र के बारे में एक बात पुनः दोहरा रहा हूं मैं कि ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम राज्य में ही पड़ता है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है छोटे एग्जामों में, राजस्थान पुलिस पटवार, इनमें सीधा सीधा छप जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज्य में रहता है, वहाँ ऑप्शन में आपके पहले अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन रहेगा, आपको वो टिक नहीं करना है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग रहता है। चलिए मित्रों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, एक बार पुनः बोल देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, आज डिस्क्रिप्टिव में लिंक डाल दी जाएगी, तो आपको वो क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ आपको सूचना मिल जाएगी कि करंट अफेयर्स डिवीजन के लिए क्या किया जा रहा है, अलग से वीडियो बनाया जा रहा है या साथ में लाया जा रहा है, वो आपको सूचना जरूर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए मित्रों आज का यह सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। चलिए मित्रों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।